नमस्कार, छत्तीसगढ़ राउंड अप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों पर हम चर्चा करेंगे और सबसे पहले मुंगेली का जिक्र करेंगे, जहां मेडिकल शॉप में लूट की कोशिश की गई है। मेडिकल शॉप के मालिक पर केमिकल फेंका गया, मिर्ची पाउडर फेंका गया, केमिकल और मिर्च पाउडर डालकर लूट की कोशिश की है बदमाशों ने। आरोपी युवक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया है। ग्रामीणों ने आरोपी युवक की जमकर पिटाई भी की और लोगों ने लालपुर पुलिस को फौरन सूचना दी है। लालपुर पुलिस मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि राजपुर की पूरी घटना है और फौरन पुलिस के पहुंचते ही इस आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। तस्वीरें आप देखिए, सरेआम लूट की कोशिश की जा रही थी। सेगी प्रशांत ज्यादा जानकारी देंगे। प्रशांत, क्या कुछ हुआ वारदात के दौरान? जी अवंतिका, मैं बता दूं कि एक युवक है जो एक मेडिकल स्टोर में पहुंचता है और मेडिकल संचालक के आंख पर केमिकल युक्त जो मिर्च पाउडर है वो डालता है और उसके बाद उसके साथ लूट की घटना को अंजाम देने की कोशिश करता है। उसी बीच कुछ ग्रामीण वहां आते हैं और ग्रामीणों के द्वारा उस युवक को पकड़ लिया जाता है और बंधक बनाकर उसकी जमकर पिटाई की जाती है। इसके साथ ही लालपुर पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस वहां मौके पर पहुंची और आरोपी के ऊपर कार्रवाई कर रही है। वहीं मैं बता दूं कि जिस तरह की घटना अंजाम देने की कोशिश की गई है, जिससे साफ लगता है कि जो आरोपी हैं, अपराधी हैं, उनके हौसले किस तरह बुलंद हो रहे हैं। जी अवंतिका, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत जानकारी के लिए। और इस बीच रायपुर से इस वक्त एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बदमाशों ने युवक पर चाकू से हमला किया है। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो चुका है। घायल युवक अस्पताल में फिलहाल इलाज जारी है। क्रिकेट खेलने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था और विवाद धीरे धीरे मारपीट में तब्दील हो गया। महादेव घाट के गोकुलधाम सोसाइटी की पूरी घटना, डीडी नगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। बदमाशों ने अचानक से युवक पर चाकू से हमला कर दिया। राजधानी रायपुर का यह पूरा मामला, अक्सर जहां से चाकूबाजी की घटनाएं सामने आती हैं, एक बार फिर से इसी तरह की वारदात। क्रिकेट खेलने को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ था और उसके बाद अचानक से आक्रोश इतना बढ़ा कि युवक पर बदमाशों ने चाकू से जानलेवा हमला किया। आगे बढ़ते बिलासपुर से अगली बड़ी खबर, जहां युवा कांग्रेस के नेता ने किसान को धमकाने की कोशिश की है। युवा कांग्रेस के जिला शहर अध्यक्ष शेरू असलम की दबंगई का वीडियो आपको हम दिखाएंगे। किसान के परिवार को धमकी दी, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। दबंगई का वीडियो अब लगातार वायरल होता हुआ। न्यूज 18 हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। मोपका का रहने वाला किसान परिवार, हालांकि अभी तक सत्यता की पुष्टि नहीं हो पाई इस वीडियो की, लेकिन अभी तक यही कहा जा रहा है युवा कांग्रेस के शहर अध्यक्ष की तरफ से व्यक्ति को धमकाया। बातचीत काहे के करना है? दादागिरी करना है। दादागिरी काहे करूंगा? दादागिरी कर रहे तुम लोग। कैसे दादागिरी? मेरे जमीन में कैसे तुम लोग खंभा लगाने आ गए? मेरा जमीन है। कहां जब सारा देंगे? कौन से कागज? कागज लेके आओ। कौन से कागज बता? नहीं, कौन से कागज तो बता ना, मैं ला रहा हूं। तो तुम जिले तो जू खा के ले जाऊंगा यहीं से तेरे को। बातचीत काहे के करना है? दादागिरी करना है। दादागिरी काहे करूंगा? दादागिरी कर रहे तुम लोग। कैसे दादागिरी? मेरे जमीन में कैसे तुम लोग खंभा लगाने आ गए? मेरा जमीन है। कहां जब सारा देंगे? कौन से कागज? कागज लेके आओ। कौन से कागज बता? नहीं, कौन सा कागज तो बता। व्यक्ति धमकाने की कोशिश करता है किसान को, साफ तौर पर कहता हुआ नजर आता है कि जिला अध्यक्ष यहीं से उठाकर ले जाऊंगा। न्यूज 18 हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन अभी तक जितनी भी जानकारी इस वीडियो को लेकर सामने आई उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं यही साफ हो पाया है कि किसान परिवार को ये व्यक्ति धमकाने की कोशिश कर रहा था खंभा गाड़ने को लेकर। ये पूरा विवाद जिसे लेकर शहर अध्यक्ष शेरू असलम की दबंगई आप खुद इस टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी लगातार ये वीडियो वायरल होता हुआ और उसी के बाद ये वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। युवा कांग्रेस के शहर अध्यक्ष शेरू असलम, जो कि इस वीडियो में दबंगई करते नजर आए हैं, हालांकि चूंकि वीडियो सामने आया इसकी वजह से चर्चाएं अब लगातार बढ़ती जा रही हैं। किसान के परिवार को धमकाने की कोशिश ये व्यक्ति करता नजर आए। एक बार फिर से सुनिए वीडियो में क्या कुछ कहा गया। बातचीत काहे के करना है? दादागिरी करना है। दादागिरी काहे करूंगा? दादागिरी कर रहे तुम लोग। कैसे दादागिरी? मेरे जमीन में कैसे तुम लोग खंभा लगाने आ गए? मेरा जमीन है। कहां जब सारा देंगे? कौन से कागज? कागज लेके आओ। कौन से कागज बता? नहीं, कौन से कागज तो बता ना, मैं ला रहा हूं। तो तुम जिले तो जू खा के ले जाऊंगा यहीं से तेरे को। बातचीत काहे के करना है?
चलिए और ज्यादा जानकारी हम लेंगे सही कि युगल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका हम रुक कर लेते हैं। युगल, वीडियो जरूर वायरल हुआ है, हालांकि अभी तक शायद सत्यता की पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन जिस अंदाज में व्यक्ति धमकाता हुआ नजर आता है, कहीं ना कहीं लगता जरूर है कि सच है ये वीडियो। युगल जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से धौंस दिखा रहा है और कह रहा है कि मैं जिला अध्यक्ष हूँ, तो ये बात तो जांच में पता चलेगा और परिवार ने इसकी शिकायत की है, जांच में पता चलेगा कि आखिर ये किसका जिला अध्यक्ष है क्या है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से धौंस दिखा रहा है और कानून को अपने हाथ लेने का प्रयास जा रहा है, जमाना सोशल मीडिया का है और ये काफी तेजी से वायरल हो रहा है, ये कहा जा सकता है कि इस तरह के जो कृत्य हैं, तो चाहे कोई भी संगठन से जुड़ा हो, बिल्कुल उसे जायज नहीं कहा जा सकता। यदि शिकायत है तो माध्यम और भी हैं, कानून है, कायदे हैं, कोर्ट भी जा सकते हैं। एक्चुअली में जो जमीन जो विवाद होता है उसमें राजस्व का ये पूरा मामला होता है, लेकिन बड़ी बात यही है कि इस तरह से धौंस दिखाना और उसका अब जो वीडियो वायरल हो रहा है, तो ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर मामला क्या था। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको युगल जानकारी के लिए। बीजापुर से अगली बड़ी खबर, जहां सुरक्षा बल के कैंप पर नक्सली हमला हुआ है। कैंप को निशाना बनाकर नक्सलियों ने देसी लॉन्चर दागने की कोशिश की, नक्सलियों ने फायरिंग भी की, लेकिन जवानों की जवाबी कार्रवाई के बाद वहां से नक्सली भाग खड़े हुए। गंगालूर थाना क्षेत्र के पिरौली कैंप पर नक्सली हमला हुआ था। बीजापुर एसपी अंजने वार्षणेय ने इस पूरे मुठभेड़ को लेकर जानकारी साझा की, पुष्टि की इस पूरी घटना की। नक्सली की सक्रियता लगातार इस इलाके में बढ़ती हुई, हालांकि जवान भी मुंहतोड़ जवाब देते हुए नक्सलियों को लगातार पीछे खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। आगे बढ़ते बात करेंगे कोरबा की, जहां बुलडोजर चला है, सड़क निर्माण के लिए मकान तोड़े जा रहे हैं। ग्राम पताड़ी से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है, जिसमें मकान तोड़ने पर लोगों ने इसका विरोध भी किया। प्रशासनिक कार्रवाई का विरोध करते हुए लोग धरने पर बैठ गए। प्रभावितों के समर्थन में विधायक ननकीराम कंवर भी आगे आए हैं। सड़क पर खुद रामपुर विधायक बैठे नजर आए। ननकीराम कंवर और अधिकारियों के बीच बहसबाजी भी हुई। कोरबा चांपा नेशनल हाईवे के विस्तार के लिए यहां पर मकान गिराए जा रहे हैं, बिना मुआवजा दिए कार्रवाई करने को लेकर ये पूरा विरोध का मामला सामने आया। एसडीएम पर मुआवजे में गड़बड़ी करने का भी आरोप ग्रामीणों की तरफ से लगाया जा रहा है। इधर कांकेर में एक बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। निर्माणाधीन राइस मिल की दीवार गिर गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, जबकि 11 मजदूर घायल हैं। भानु प्रतापपुर के चवेला में राइस मिल बन रही है और सभी घायलों को अस्पताल में फिलहाल भर्ती करवाया गया है। गंभीर हादसा जिसमें एक व्यक्ति की जान भी चली गई। घटनास्थल की तस्वीरें भी आपको जानकारी लगी थी कि एक राइस मिल की दीवार जो निर्माणाधीन थी वो गिरी है, जिसकी वजह से 13 मजदूर घायल हुए थे, जिसमें से एक मजदूर की मौत हुई और बाकी 12 मजदूर जो है सुरक्षित हैं, जिनमें से एक महिला थोड़ी सी गंभीर है, लेकिन अभी फिलहाल उपचार से वो स्टेबल है। और हमारे यहाँ जिला चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज में यहाँ पर अभी हमारे पास 6 पेशेंट भर्ती हैं, 4 पेशेंट भानु प्रतापपुर में भर्ती हैं और 1 दुर्गाकुंडला में भर्ती है। इस तरह से बाकी सभी मरीजों की स्थिति जो है नियंत्रण में है। जैसे हमें इस खबर की जानकारी मिली थी तो तुरंत यहाँ से एडीएम को हमने वहाँ रवाना कर दिया था। एडीएम अभी वहीं पे हैं और जितने लोग वहाँ पे घायल हुए थे, एक की दुर्भाग्यजनक रूप से उनकी मृत्यु हो गई है, पर बाकी जितने लोग घायल हुए थे उनको आवश्यक चिकित्सकीय सुविधा देने के लिए हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है। 6 लोगों को, क्योंकि उनमें से कुछ को फ्रैक्चर था और एक की हालत थोड़ी गंभीर थी, उनको हम लोग यहाँ कांकेर ले आए हैं और यहाँ जितनी मतलब उनको आवश्यक जो चिकित्सकीय सुविधाएँ हैं वो हम देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आवश्यकता होगी तो हम रायपुर भी भेजेंगे, तो यही हमारी ओर से प्रयास किया जा रहा है। मैडम, जो राइस मिलर है जिनका कंस्ट्रक्शन हो रहा था, क्या उनके ऊपर कार्रवाई होगी? जो ठेकेदार हैं अभी एडीएम वहाँ गए हैं, जिस तरीके से हम लोग को रिपोर्ट देंगे, दुर्घटना क्या हुई उसका विवरण पता चलेगा। यदि कोई भी नियम की वॉयलेशन हुई होगी तो बिल्कुल कार्रवाई। और अब चलिए चर्चा बलौदा बाजार की कर लेते हैं, जहां बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मारी गई। अज्ञात वाहन ने युवकों को टक्कर मारी है, दोनों युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। NH 130B पर यह हादसा हुआ है, कसडोल लवन मुख्य मार्ग पर की यह दुर्घटना, जहां कसडोल पुलिस मौके पर पहुंची है और अज्ञात वाहन अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई। मौके पर जितने भी लोग मौजूद थे उनसे भी जानकारी जुटाने की कोशिश की, आखिर किस वजह से पूरी दुर्घटना हुई
दो युवकों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। और चलिए छत्तीसगढ़ के मॉनसून को लेकर चर्चा हम कर लेते हैं। मौसम को लेकर पहले से ही जानकारी मौसम विभाग की तरफ से साझा की जा रही थी कि जल्द ही मॉनसून दस्तक देगा, और आज छत्तीसगढ़ वासियों के लिए खुशखबरी कि मॉनसून ने दस्तक दे दी है। दक्षिण छत्तीसगढ़ के बस्तर पहुंच चुका है मॉनसून। गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिल रही है। केंद्रीय मौसम विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन यानी कि ऑफिशियल घोषणा भी जारी हो चुकी है कि बस्तर तक मॉनसून पहुंच गया है। और भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिल गई है। जी हां, बस्तर में मानसून ने दस्तक दे दी है। दक्षिण बस्तर के कुछ इलाकों में मानसून ने दस्तक दी है। बीजापुर सुकमा की बात करें तो वहां पर बारिश हो रही है, साथ ही जगदलपुर के कुछ हिस्सों में कुछ इलाकों में जोरदार बारिश भी शुरू हुई है। अमूमन बस्तर में मानसून 15 जून के आसपास दस्तक देता है, लेकिन इस बार मानसून ने परेशान किया है। मानसून लगभग 25 जून के आसपास पहुंचने की बात की जा रही थी, लेकिन आज मानसून ने दस्तक दे दी है। मानसून के पहुंचने से वहीं लोगों को राहत मिली है, तो किसानों को चेहरे में खुशी भी लौटी है। श्रीनिवास नायडू, न्यूज 18 जगदलपुर। कोंडागांव मनेतगढ़ अंबिकापुर, एक तरफ से मॉनसून की एंट्री और दूसरी तरफ देखिए झमाझम बारिश का दौर अलग अलग जिलों के लिए शुरू हो चुका है। मॉनसून ने दस्तक दी है कोंडागांव मनेतगढ़ अंबिकापुर में, इसके साथ ही बारिश का दौर शुरू हो गया है कि प्रत्यक्ष आपकी टीवी स्क्रीन पर। और अब लगातार भीषण गर्मी से राहत की उम्मीदें छत्तीसगढ़ वासियों की बढ़ती। और इसी तरह से सूरजपुर, बलरामपुर और मुंगेली की भी तस्वीर आपको दिखा देते हैं। मुंगेली में भी बारिश का दौर लगातार चल रहा है। सूरजपुर और बलरामपुर में भी झमाझम बारिश, वनांचल इलाके में अच्छी बारिश होने से सूखे पड़े मनियारी नदी सहित सभी नदियों में पानी भरा है। अचानक बढ़े जलस्तर का वीडियो भी अब लगातार वायरल होता हुआ है। तस्वीरें आप मुंगेली की भी देखिए, साथ ही साथ सूरजपुर में और बलरामपुर में भी मौसम सुहाना हो गया है। तो मॉनसून और झमाझम बारिश का दौर छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में लगातार बढ़ता हुआ, गर्मी और उमस से अब राहत मिल रही है। तो अलग अलग जिलों के लिए यही स्थिति, और आने वाले समय के लिए भी खुशखबरी है कि आने वाले समय में बारिश का दौर जारी रहेगा। और इस बीच छत्तीसगढ़ से तर मध्य प्रदेश से भी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सरकार अब लाडली बहना योजना का फीडबैक लेने की तैयारी कर रही है। लाडली बहना योजना के तहत 1,000 रूपये जो उपयोग में कैसे काम आ रहे हैं बहनों के, इस बात को लेकर फीडबैक जुटाने की कोशिश मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से। बहनों के मन की बात के लिए प्रतियोगिता का आयोजन भी होगा। प्रभावी प्रेजेंटेशन पर लाडली बहनों को सम्मानित किया जाना है। प्रतियोगिता के विजेता को 5,000 रूपये की राशि सरकार की तरफ से मिलेगी। प्रतियोगिता का आयोजन इसके लिए www.mp.gov.in पर अगर आप लॉग ऑन करेंगे तो ज्यादा जानकारी इस प्रतियोगिता को लेकर मिल पाएगी। लेकिन एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, और अब इस योजना के फीडबैक की तैयारी कि किस तरह से इस राशि का उपयोग बहने करें, यह भी जानकारी जुटाने की कोशिश। और एक अच्छा खासा तरीका जिससे बहनों से एक बार फिर से संपर्क सरकार की तरफ से साधा जा सके। बहनों की मन की बात जानने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से प्रतियोगिता का भी आयोजन है। बेहतर रिप्रेजेंटेशन जो महिला बनाएंगी उन्हें राशि भी दी जाएगी 5,000 रूपये की विजेता राशि। और भोपाल में भी अब मॉनसून आने वाला है, इसकी दस्तक अब कहीं ना कहीं अब सुनाई भी देती है, और ऐसे में अभी तक नालों की साफ सफाई नहीं हो पाई, ये एक बड़ी समस्या है। आपको ये भी बताएं कि आलम यह ऐसा है कि बारिश के बाद ये नाले अगर उफान पर आ जाते हैं तो उससे निचली बस्तियों में जलभराव के हालात बन जाएंगे। पिछले 10 सालों में उफनते नाले कई लोगों की जान ले चुके हैं और अभी तक नालों की सफाई का काम शुरू नहीं हुआ है। ऐसे में अचानक से बारिश अगर आ जाती है तो नाले मौत को दावत देने लगेंगे। राजधानी भोपाल में तकरीबन 1,000 बड़े और छोटे नाले हैं। अगर बात करें तो प्री मानसून एक्टिविटी शुरू हो चुकी है
और बारिश को देखते हुए नगर निगम ने नालों की सफाई नहीं की है और ये उफनते नाले आगे चलकर मौत के नाले बन जाते हैं, क्योंकि इन्हीं नालों के किनारे जो मकान बने हैं, यहाँ पर जब जल भराव होता है तो पानी उफान पर आता है और बारिश का पानी जब उफान पर आता है तो इन लोगों के घरों तक पहुंच जाता है और कई लोग इसमें बह जाते हैं। और पिछले रिकॉर्ड की अगर बात करें तो कई लोगों की नालों में बहकर मौत हो चुकी है, मगर प्रशासन अभी तक नालों की सफाई नहीं करवा पा रहा है। इसकी वजह यह है कि कई लंबा चौड़ा बजट आता है नगर निगम के पास, मगर बावजूद उसके अभी तक नालों की सफाई नहीं की गई। आप देख सकते हैं कि किस तरह से शहर के नालों की ये तस्वीरें हैं, जहां पर उनमें हरियाली जमा है और कचरा जमा है, मगर प्रशासन अभी तक इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। न्यूज 18 इस मुहिम के जरिए प्रशासन की एक जो है इस कलाई को खोलना चाहता है कि आखिरकार कब इन नालों की सफाई हो पाएगी, क्योंकि आने वाला जो समय है मानसून एक्टिविटी को लेकर है और अगर नाले उफान पर रहे तो फिर कोई बड़े हादसे हो सकते हैं। कैमरा पर्सन खिलान सिंह के साथ जितेंद्र शर्मा। राजधानी भोपाल के नालों का क्या हाल है हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बारिश सर पर है और अगर बात करें तो प्री मानसून एक्टिविटी भी शुरू हो चुकी है, मगर इस तरफ जो नाले हैं उसके मुहाने पर लोगों के मकान बने हैं, मजदूरों के मकान बने हैं और जब बारिश तेज होती है या बारिश का सीजन आता है तो ये नाले उफान पर आ जाते हैं और इन जो मजदूरों के घर हैं उनके घर उफनते हुए नाले की भेंट चढ़ जाते हैं। मगर जिला प्रशासन और नगर निगम अभी और इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि जो नाले उफान पर आ चुके हैं या फिर आने वाले हैं, क्योंकि प्री मानसून एक्टिविटी के चलते देख सकते हैं कि किस तरह से पानी का बहाव हो रहा है, मगर नालों में गंदगी का अंबार है। अभी प्रशासन ने इस तरह से नालों की किसी तरह की कोई सफाई नहीं की है। यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनकी जिंदगी कहीं ना कहीं दांव पर लगी है, क्योंकि जब नाले उफान पर आएंगे तो ये घर कभी भी ढह सकते हैं, कभी भी इनमें बाढ़ आ सकती है। और इस तरह से हादसे पिछले कई बारिश कई रिकॉर्ड सामने देख चुके हैं, जिसमें कई लोग भोपाल की बारिश की भेंट चढ़ चुके हैं और उनकी मौत हो चुकी है। प्रशासन को चाहिए कि इन नालों की सफाई करें, क्योंकि तकरीबन 1000 छोटे और बड़े नाले राजधानी भोपाल में, मगर उनकी सफाई अभी तक नहीं की गई है। कैमरा पर्सन खिलान सिंह के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज 18 भोपाल। और इधर पटना में विपक्षी पार्टियों की बैठक पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की तरफ से ट्वीट किया गया, निशाना साधा गया है। अनुराग ठाकुर ने लिखा कि 24 के चुनाव से पहले फिर एक बार रंगमंच सजा है, नाटक मंडली इकट्ठा हो रहे हैं, किरदार तय किए जा रहे हैं, नाटक होगा, साथ निभाने के कसमी वादे होंगे, जनता हंसेगी और फिर एक बार प्रचंड बहुमत से मोदी जी ही तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। अनुराग ठाकुर ने तंज कसते हुए लिखा है कि विपक्षी दलों की बैठक का यही निचोड़ है। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर। राजनांदगांव में कांग्रेस संगठन में बदलाव पर बोले मोहन मरकाम, चुनाव का समय जरूरत के हिसाब से चेंज करते रहते हैं, शैलजा का पत्र आया है उस पर समीक्षा करेंगे। संगठन में बदलाव को लेकर आदेश रद्द होने को लेकर मोहन मरकाम का बयान, समय समय पर आदेश होते हैं तो कार्य विभाजन होता है, आगामी आदेश तक होता है। मोहन मरकाम के पत्र को शैलजा द्वारा निरस्त किए जाने को लेकर अमन सिंह का तंज, अभी तो शुरुआत है, सत्ता का संघर्ष और संगठन के साथ टकराव कांग्रेस को लूट देगा। सीएम भूपेश बघेल ने सिकल सेल संस्थान छत्तीसगढ़ के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का किया भूमि पूजन, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने की कार्यक्रम की अध्यक्षता। धर्मांतरण पर मंत्री कवासी लखमा का बयान, भूपेश बघेल सरकार में नहीं हुआ एक भी धर्मांतरण, बीजेपी के 15 साल के कार्यकाल में सबसे ज्यादा धर्मांतरण। कवर्धा के पंडागिया में सहकारी चीनी कारखाना परिसर में बने मकानों में पड़ी दरारें, मकानों को बनाने में गड़बड़ी के आरोप, पीडब्ल्यूडी विभाग और मंत्री से शिकायत। जगदलपुर का कांकेर घाटी नेशनल पार्क 2 महीने के लिए हो रहा है बंद, बारिश के चलते 25 जून से होगा बंद, पार्क के अंदर कई गुफाओं में भर जाता है पानी। धमतरी में सख्ती के बाद हड़ताल खत्म, स्वच्छता दीदियों ने खत्म की हड़ताल, कलेक्टर दर भुगतान की मांग को लेकर स्वच्छता दीदी कर रही थी हड़ताल। कांकेर में राइस मिल की गिरी दीवार, हादसे में एक मजदूर की मौत, 12 मजदूर घायल। अंबिकापुर में तेज रफ्तार का कहर, बेकाबू होकर पलटी कार, हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल, कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला। राजधानी में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, सरगुजा संभाग के सभी जिलों के लिए अलर्ट जारी, गरज चमक के साथ तेज आंधी की संभावना। छत्तीसगढ़ पहुंचा मानसून, दक्षिण छत्तीसगढ़ के बस्तर पहुंचा मानसून, गर्मी और उमस से मिल रही राहत। नवा रायपुर में ट्रक और कार की भिड़ंत, 3 लोग हादसे में घायल, घायलों का इलाज जारी। दुर्ग में कार में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू, मधुबन नगर की घटना।
रायगढ़ में सामने आया बाल विवाह का मामला, जांच के लिए पहुंची प्रशासनिक टीम। शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद खुलासा। कोरबा में बहू ने सास को मारा चाकू, पारिवारिक विवाद में हुई मारपीट, गंभीर घायल महिला का इलाज जारी। धमतरी में बठेना वार्ड के लोगों ने किया निगम का घेराव, नारेबाजी और प्रदर्शन, सड़क पानी बिजली की समस्या से परेशान। झाबुआ में टला बड़ा हादसा, शॉर्ट सर्किट के चलते यात्री बस में उठा धुआं, जिला अस्पताल के सामने की घटना। रायगढ़ में घरघोड़ा के कुएं में मिला कंकाल, महीने पुराना बताया जा रहा कंकाल, मामले की जांच करे पुलिस। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।